नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, और जनरली हम लोग ट्रैप कहाँ पर होते हैं। और इस वीडियो में मैं वॉल्यूम का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो वॉल्यूम कैसे हम लोग को ट्रैप होने से बचाता है। देखिए, हम लोग बेसिकली प्राइस को देखते हुए काम करते हैं। प्राइस का मूवमेंट का साथ साथ हम लोग का ट्रेड पोजिशन चेंज करते हैं। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम लोग बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है तो सेल कर लेते हैं। बट एक्चुअली देखना है जो प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम का भी सेम मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है अप ट्रेंड में और उसका साथ साथ वॉल्यूम भी बाइंग के लिए है, तो जहां पर आप एक्चुअल ट्रेड पकड़ पाएंगे और वहीं पर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए, एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आज को 44,200 का कॉल का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है, ये आपका सिग्नल है। इस टाइम आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन है जो क्या ये बाय का कॉल सही है। अगर आप ऑप्शन बायर से, तो आपको पता है बाइंग कितना, मतलब जितना प्रॉफिटेबल है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का पहले बहुत ही ध्यान से लेना पड़ेगा। तो बाइंग का टाइम सबसे पहला चीज़ जो होता है वो है ट्रेंड को देखना है। जो नीचे में आपको रिबॉन दिखाई दे रहा है, इसका कलर है ग्रीन, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है। मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो क्रॉसओवर होकर ग्रीन हो गया, तो ये भी आपका फेवर में है। तो ट्रेंड आपका सही था, बाइंग का कॉल भी बन चुका है, प्राइस ऊपर जा रहा है इसीलिए बाय का कॉल दिया है। अब आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसका प्रेशर को समझना है। देखिए, नीचे में जो बार आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है भले ही ये बाइंग का कॉल बना है, ट्रेंड बाइंग का है, बट वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो सेलिंग का तरफ है। तो ये आपको ट्रैप करने लायक एक सिचुएशन है। सो इस टाइप का कॉल में जनरली हम लोग फंस जाते हैं यहाँ पर बाय करके। तो देखिए, आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको दिखाई देगा जो किस हिसाब से आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, नीचे का रिबन ग्रीन ही है, बट वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो टिल नाउ रेड में ही शो कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव वीडियो होता है जो आपको मार्केट समझने के लिए, जो कौन सा टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए और कौन सा टाइम ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, बाय का कॉल बना था सुबह को, लगभग 1 घंटा निकल गया है, मार्केट उसी जगह पे घूम रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर से, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। आपको यहाँ पर बचाएगा ओनली आपका वॉल्यूम प्रेशर। वॉल्यूम अभी भी आपको शो कर रहा है जो ये नेगेटिव का तरफ है, तो ये बाय का कॉल आपके लिए नहीं है। आपको वेट करना है अगर वॉल्यूम प्रेशर बाइंग का तरफ गया, जैसा हम लोग अगर और एक कैंडल वेट करेंगे, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है जो वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो बाइंग का तरफ गया इन दिस कैंडल। तो अगर अब इस कैंडल का भी वैल्यू देखते हैं, तो इस टाइम मार्केट का वैल्यू था 386। अगर अब इस टाइम भी एंट्री ले रहे हैं वॉल्यूम प्रेशर का साथ, देखिए कॉल तो बना हुआ है, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन भी है, ट्रेंड भी आपका फेवर में है, बट इतना दूर तक वॉल्यूम नहीं था। 9:15 से लेके अगर आप देखेंगे तो 10:35 तक कोई वॉल्यूम प्रेशर बाइंग के लिए था नहीं। तो इस टाइम जो बंदा बाय करके बैठेगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर उसका पोजीशन फंसाएगा। तो यहाँ पर देखिए 386 इस कैंडल पे वॉल्यूम प्रेशर बाइंग के लिए आया। एक ही कैंडल पे 386 से लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 431, मतलब 50 पॉइंट का प्रॉफिट आप विद इन वन कैंडल निकाल लिए। तो इस चीज़ को समझना है, वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस इसी जगह पे है। जो जहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हैं पेशे के लिए, अगर आप ऑप्शन बायर्स है, तो आपको प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंस देखना है, जो वॉल्यूम आपका फेवर में है या नहीं है। अगर दोनों चीज़ एक साथ मैच होता है तब जाके ट्रेड करेंगे, अदर इज नॉट। जैसे देखिए, यहाँ पर सेल का कॉल बना, तो ये वॉल्यूम का साथ था, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर और एक छोटा सा पॉइंट बता देना चाहता हूँ। ऊपर में देखिए आपको दो लाइन दिखाई दे रहा है ब्लू एंड रेड टाइप का, एंड नीचे में दो लाइन दिखाई दे रहा है ब्लू एंड रेड टाइप का। तो ये दोनों लाइन क्या है, ये ऊपर का जो लाइन है इसे हम लोग अपर चैनल कहते हैं, और नीचे वाला को लोअर चैनल। मतलब अगर आप बाय कर रहे हैं और वो लोअर चैनल पे बाय का कॉल बना है, तो धीरे 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 करके देखिए ये अपर चैनल तक लेके चला गया। तो ये भी एक कंफर्मेशन होता है जो कॉल अपर चैनल तक लेके जाएगा। बट ये जो सेल का कॉल बना है, देखिए कॉल का हिसाब से तो कन्फर्म कॉल है, क्योंकि नीचे का रिबाउंड रेड हुआ है, क्रॉसओवर हो गया है, वॉल्यूम भी आपका फेवर में है, बट यहाँ पर लोअर चैनल का करीब आके सेल का कॉल बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा एंट्री तो ले सकते हैं। बट अगर देख रहे हैं जो कंटिन्यूअसली मार्केट सेम जगह पर घुमा रहा है, देखिए इसका बाद मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मार्केट सेम जगह पे फ्लैट कर दिया है, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन को समझना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इजीली ज़्यादा वेट मत कीजिएगा, जल्दी निकल जाने का कोशिश कीजिएगा।
अल्टीमेट देखिए बाइंग का कॉल बन गया। बाइंग का कॉल में वही चीज़ नीचे का रिबन देखिए ग्रीन है, दोनों लाइन क्रॉसओवर हो गया, वॉल्यूम भी बाइंग के तरफ आ चुका है, ग्रीन मतलब बाइंग के लिए आ गया है। एंड आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो बाइंग का कॉल बना है ये लोअर चैनल पे बना है। लोअर चैनल का बनने का मतलब ही है वो धीरे धीरे करके ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। ये वन काइंड ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जैसा काम करता है, तो क्लाइंट को समझने में ईजी लगता है जो मार्केट कितना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए देखते देखते ये मार्केट टोटली ऊपर लेके चला गया और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट आराम से बना ली। तो अगर आप फुल डे का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इजीली समझ में आ रहा है कौन सा लोकेशन पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा लोकेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज आपको जब सिग्नल मिल रहा है उसका साथ प्राइस का साथ साथ अगर वॉल्यूम भी आपका फेवर में है, दोनों एक साथ आपको मैच कर रहा है, तो ही जाके ट्रेड कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली फॉर ऑप्शन बायर्स, आप किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग के लिए वॉल्यूम प्रेशर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सिग्नल एंड वॉल्यूम प्रेशर दोनों एक साथ मैच होगा, तो ही यहाँ पर ट्रेड कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। कभी कभार तो हम लोग देखते हैं विद इन 2 to 3 कैंडल प्रॉफिट निकल जाता है, और अगर वॉल्यूम आपका पेपर में नहीं है कभी कभार 1 से 1.5 घंटा भी आपको वेट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को समझ के ट्रेड कीजिए, देखिए ट्रेडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्लू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो और डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग को कॉन्टैक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। और इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको और भी बहुत सारा मेरा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, काफ़ी सारा वीडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ और देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो हर एक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी सही रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।